कहाँ से उठा लाया हो इसे? हमारी जंगल के तरफ पर बेहोश पड़ी हुई। सिन सिन तुगलाबू। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, तुम हमारे राज में हो। तुम कौन हो? मैं यहाँ का राजा हूँ। हमारी सरहद पे तुम बेहोश पड़ी थी, मेरे आदमी तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। पर मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा? क्या तुम्हारे साथ बच्चा भी था? मुझे याद है, जहाज से कूदते वक्त मेरी गोदी से चटक गया था मेरा बच्चा, मेरा लाल टोली। मेरे बच्चे तो कहाँ है? चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। ओहो, ये तो चुप नहीं होता। माँ के लिए दुआ का जो चेहरा, अब माँ समझ गई होगी। ना जाने बेचारी कहाँ है, ना जाने मेरे फूल से बच्चे का क्या हुआ होगा। हे भगवान, मुझे इस दुनिया में जिंदा क्यों रखा? मैं अपने लाल के क्यों ना मर गई? भगवान क्यों ना मर गई? इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो। जैसे
सहारा, तुम्हें बच्चा सहारा चाहिए? रूपा को ले आओ। रूपा, रूपा, मेरी बच्ची, तुझे बच्चे की जरूरत है, मेरी बच्ची को माँ की जरूरत है। तुम्हारी मम्मी बच्चे के लिए तड़प रही है और मेरी बच्ची माँ का प्यार पाने के लिए तड़प रही है। लो, जब तक तुम्हारा बच्चा किसी को आज से ये तुम्हें कहो मां,
अचानक मेरे हाथों में आ गया, तो इसे वापस जमीन पर फेंक दो। हमारे परिस्थान में इंसान से क्या, इंसान की कुछ भी नहीं रख सकते। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए कि भोली सूरत पे तरस खाइए, ये इतना बेसहारा है। खामोश, सुनना नहीं चाहती। तुम इसे उस जंगल पर आओ जहाँ खुली जानवर कीड़े मकोड़े रेंगते। क्या कह रही है? जो कुछ कहना था, अगर तो निकलने से पहले जमीन पर ना छोड़कर आए तो तुम्हें इस स्थान से उल्टे मुंह गिर जाएगा। मैं तुझे तो भाग्य के भरोसे मजबूर हूँ। अगर सूरज निकलने से तुम इसे जमीन पर ना छोड़ाई फिर परिस्थान से उल्टे मुंह। Thank you.
समा है, ये कैसी फिजा है कि दिल मेरा उड़ा जाए रे। ये राह है नवेली, चली हूँ मैं अकेली, कहाँ जी कोई बतलाए कोई समझाए रे। ये कैसा समा है, ये कैसी फिजा है कि दिल मेरा उड़ा जाए रे। ये राह है नवेली, चली हूँ मैं अकेली, कहाँ जी कोई बतलाए कोई समझाए। अरे ये क्या बात है,
नाले के उस पार वाले जंगल में सिर्फ 30 ही मजदूर बचे हैं। जी मालिक, दो दिन में सारा जंगल कट जाएगा। और खन्ना को किस जगह भेजा है? जी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो क्यों काम करते हो? लकड़ी काटते काटते जिंदगी ही तो काटनी है ना मालिक। मालूम होता है जमाने के सताए हुए हो। अगर ऐसा न होता तो मैं ये काम ही क्यों करता? नहीं नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाके आराम करो। घुंघरू माया कहाँ है? बेबी वो तो चिंटू के साथ घूमने को गया है, इसीलिए दूध लेने को दूध वाले के घर को मेरे को जाने को पड़ा। आ जाएंगे। आएंगे किधर से बॉस? वो एकदम बोगस आदमी है, मालूम है किधर किधर बेबी को घुमाएगा घन चक्कर कहीं का। आप उसको कुछ बोलने को भी नहीं मानता, इतना बड़ा जंगल है, शेर डाकू चोर लुटेरे भेड़िया कुछ भी उसको हो गया तो देख सकता, आपको बोलने को मांगता है। बॉस बॉस आ गया। तो फिर मेरी मालिक से शिकायत कर रही है? हम शिकायत किधर की? हम बोला तुम अच्छा आदमी है। तू कहाँ गया था? मालिक मैं माया देवी के साथ जंगल में गया था, मगर क्या माया कहाँ है? तो क्या वो यहाँ नहीं आई? इधर तो नहीं आया। देखा मालिक, हम बोलता था ना ये। अरे बोलना, माया कहाँ है? मालिक मुझे नहीं मालूम, कुछ देर तो मैं घोड़े के साथ चला, फिर माया देवी घोड़ा दौड़ाकर जंगल में चली गई और मैं यहाँ लौट आया। और मैं यहाँ लौटा इधर। मालिक देखा, माया देवी को अकेला जंगल में छोड़ के ये इधर आ गया। अरे वो अकेली नहीं है, उनके पास बंदूक तो है। बंदूक तो है, शाम हो रही है और वो अभी तक नहीं आई। सारा जंगल शेर और भालू से भरा पड़ा है, जाओ तुम लोग उसकी तलाश करके आओ। चल चल चल, शैतान कहीं का। जी जाओ। है क्या बात है ना बेवकूफ, कहीं का खुद भी भटकता है और साथ उसे भी ले जाता है। जाने माया कहाँ होगी। ना जाने कहाँ पर ले आए मुझे। ये घर है या घोंसला? क्या तुम यहीं पर रहते हो? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम गूंगे हो, बहरे हो? सिर का सर हिला दिया मगर दो तोले की जबान नहीं हिलाई जाती। ओफो, ना तो कुछ समझता है और ना कुछ बोलता है। जंगली जानवरों में परवरिश पाकर तुम जानवर बन गए हो, मगर मैं तुम्हें जानवर से इंसान बनाकर रहूंगी। आओ इधर आओ। चलो बैठ जाओ। बंदर जैसी हरकतें नहीं करती।
मेरा नाम है माया। मा क्या बोलो? माया मा मा हाँ हाँ बोलो मा या मा या बोलो बेटे मा या माया मुसीबत आती आती। घुंघरू मेरी बात सुन, तू इधर से जा, मैं जाता हूँ इधर से, शायद कहीं मिल जाए। शायद कहीं मिल जाए, अगर ना मिली तो तेरी छतरी बना दूंगी, चल जा। मैं बाद में जाता हूँ, और जरा संभल के जाना। जा जा माया देवी, मुझे तो भूत का बहुत डर लग रहा है। मिल गए मिल गए, घोड़ों के पाँव के निशान, अब माया देवी जरूर मिल जाएगी। ये अरे घुंघरू डर गई? डर गई के बच्चे, तू हमको जंगल में डराने लाया या माया देवी को ढूंढने लाया है? अरे मैं माया देवी को ही ढूंढ रहा हूँ। तो क्या मुर्गा बन के ढूंढ रहा था? ओहो, तुम समझते क्यों नहीं? ये देखो ये क्या है? क्या है? अरे घोड़े के पाँव के निशान, ऐसा मालूम होता है कि माया देवी इसी घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ गई है। जंगल की तरफ गई है? ये घोड़े के पाँव के निशान है? अरे ये भैंस के पाँव के निशान है। भैंस के पाँव के निशान? अब क्या होगा? अब क्या होगा? आके फाड़ के इधर देखते हुए जाओ, मैं इधर ढूंढती हूँ दीदी को। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ माय गॉड, सुनो सुनो, अभी भी यही निशान देखते हुए शेर के घर तक मत पहुँच जाना, वरना ऐसी तरह को पटखनिया देगा, ग्रैंड फादर याद आ जाएगा। अरे तुम घबराओ मत, अब मैं पाँव के निशान देकर नहीं जाऊंगा, ना किसी पर जाऊंगा। ओह माय गॉड, जाओ बाबा जाओ, जल्दी जाओ। माया दीदी, आपको मुझे माया दीदी के कपड़े, अरे अरे चिंचू 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 महादेवी अरे क्या हुआ चिंचू, क्या हो गया? हाय रे दैया, मैंने कहा सरकार जरा आंखें खोल कर देखिए, मरे शेर को देखकर ये हाल हो रहा है तो जिंदे शेर को देख के क्या होगा? अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ते हो। मरा हुआ है? अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना। अरे ये पतलून, ये माया दीदी के कपड़े हैं। माया दीदी के? मालूम होता है कि माया दीदी को शेर हरण करके खुद आराम से मर गया है, अब अपना क्या होगा? अब तुम्हारा क्या होगा? मालिक तुमको और मुझे एक गोली से उड़ा देगा, समझे? तुम ही माया दीदी को जंगल में लेकर आए थे। नहीं नहीं क्या? अब तू ही बताओ, कोई मेरा कसूर है? समझ गई ना, तेरा कसूर है ना मेरा कसूर। अब हमें करना क्या चाहिए? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ कि करना क्या चाहिए। देख मेरे ख्याल में ये कपड़े लेकर हमें मालिक को दिखाने चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े देखते ही कहीं मालिक ने मुझे फांसी पर लटका दिया तो फिर? फांसी पर लटका दिया? मैं जो जिंदा हूँ तेरी मदद मैं करूँगी। वो कैसे? कैसे देखते नहीं शेर मारा पड़ा है? अरे हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि माया देवी जिंदी है और उसी ने शेर को मारा है। राइट, चलो तू चल। ये कपड़े तो माया के ही है। हाँ मालिक, ये कपड़े जंगल में हमको मरे हुए शेर के पास मिले। मालिक ऐसे लगता है उस शेर को बीबी रानी ने ही मारा है। तो अभी तक माया लौट कर घर क्यों ना आई? हो सकता है मालिक वो किसी दूसरी मुसीबत में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो हमें जंगल का चप्पा चप्पा खोजना चाहिए। तुम सब लोग अलग अलग टुकड़े बनाकर सारे जंगल को छान मारो, चलो। घुंघरू चल तू आगे आ जा। घुंघरू का बच्चा, तुम काहे को नहीं आगे चलता? डरती क्यों? डराना जल्दी आ जा। चल को आगे चल, चलता है। चल नहीं नहीं, तुम पकड़ो। महादेवी माया।
खू 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 जादूगर भूतनाथ ने तुम्हारे पास संदेशा लेकर भेजा है। कौन? भूतनाथ? वही जो दक्षिण के जंगलों में रहता है? हाँ वही। उन्होंने कहलवाया है कि तुम्हारे पिता उनके साथ तुम्हारी शादी तय कर गए। तुम्हारे पिता तो मर गए, अब तुम्हारा क्या इरादा है? हमारे जादूगर तुम्हारे साथ शादी करना चाहते। क्या कहा? वो डरपोक मेरे साथ शादी करना चाहता है, जो मामूली इंसानों से डरकर जंगल में अपनी जान बचाता फिरता है। वो रूपलेखा से शादी करेगा? तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? उससे कहना कि रूपा उसी से शादी करेगी जो बहादुरी का पूरा सबूत देगा, जो परियों के जंगल में रहने वाले जानवरों के बादशाह टार्ज़न को गिरफ्तार करके लाएगा। मैं उसी के साथ शादी करूंगी। ये तो बहुत मुश्किल है।
परियों के जंगल में हमारे जादूगर का जादू कैसे चलेगा? ये तुम जाने या तुम्हारा जादूगर जाने, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, अब तुम जा सकते हो। जानती है कि परियों के जंगल में मेरा जादू नहीं चलता और ताजन परियों के जंगल में रहता है और जब तक वो जंगल से बाहर नहीं आएगा मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ये शर्त रखी है। लेकिन मेरा नाम भी भूतनाथ है, मैं उसे अपना बना कर रहूंगा। जाओ शैतान, परियों के जंगल से ताजन को उठा कर ले आओ। मेरा घर तो उधर है। ये कौन है? इसी ने तो मुझे शेर के पंजे से बचाया है। ये बहुत बहादुर है पिताजी, जंगल के सारे जानवर इसके कदम चूमते हैं, सारी रात इसी ने तो मेरी रखवाली की है। ओह, अरे इधर आओ भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ 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 ना। अरे ये तो चल दिया। अरे सुनो तो, अजीब आदमी, इसने तो मुझे शुक्रिया अदा करने का भी मौका नहीं दिया। ये तो बोलना भी नहीं जानता पिताजी, मालूम होता है ये बचपन से ही जंगल में आ गया था, जंगली जानवरों में पलकर बड़ा हुआ, लेकिन है बड़ा बहादुर। तो उस नाले के पास वो शेर, उसको इसी ने मारा था, उसे
मारकर मेरी जान बचाई थी। इसी लड़की के जरिए टार्जन को गिरफ्तार करूंगा। सुनो तो बेटा, सुनो तो बेटा, सुनो तो बेटा, सुनो तो बेटा,
ही वही जंगली इंसान है जो मेरी माया को ले गया है, और माया उसके फरेब में आकर मेरे साथ आंख भी चोली खेल रही, अभी आई और अभी चली गई। आखिर ये सब है क्या? इस बार अगर वो जंगली मेरे सामने आ गया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। पर मालिक, वो तो बड़ा भला आदमी मालिक होता है। बिटिया रानी कह रही थी उसी जंगली के बदौलत उनकी दो बार जान बची, और एक बार उसी ने मुझे अजगर के चंगुल से बचाया था। लेकिन मुझे तो वो सांप बनकर डस रहा है। माया पर न जाने उसने कैसा जादू कर दिया है कि वो उसके पीछे पीछे घूम रही है। और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक जंगली जानवर को मैं इंसान मेरी इज्जत को अपनी मुट्ठी में लिए फिरे। तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि वो जानवर कहाँ रहता है। नहीं नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? मालिक मैं आपकी बार गया तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। और तू चलता है या नहीं? चलता हूँ मालिक, चलता हूँ। आज मैं उस जंगल को आग लगा दूंगा और उस जंगली को अपनी गोली का निशाना बनाकर ही छोड़ूंगा। जंगली टार्जन।
तुम हमारे बीच में क्यों आई? इसलिए कि मैं भी एक माँ, मेरे सीने में भी माँ का दिल। अगर ऐसा ना होता तो आज से 20 साल पहले तुझे कलेजे से ना लगाया होता। 20 साल की खिदमत का बदला आज खूब दिया है तूने। पर तुम्हें ये भी मालूम है कि ये मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता? इसलिए कि वो एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो एक का होकर दूसरे का होना नहीं जानता। मगर मैं इसे अपना बनाकर छोड़ूंगी और इसकी नजरों के सामने इस लड़की को खत्म कर दूंगी जिसे ये चाहता है। माया! कौन? भूतनाथ? अरे कहाँ गायब हो गया? उए! मुझ पर जादू चलाना चाहती थी? मैं आज से तेरी जादुई ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अरुला! क्यों टार्जन को यहां छुपाकर मुझे बेवकूफ बना रही थी? आज मैं तुझे और तेरे टार्जन को महल के साथ बुलाकर अपनी नगरी ले जाऊंगा। अरुला! उस दिन हम लोग वापस लौटे थे, शायद टार्जन पर इसी जंगल में रहता है। ये क्या है? आओ आगे बढ़ो। ये तो अपनी जीप है। इसी जीप में उस दिन माया और टार्जन कैंप से रवाना हुई थी। तब तो माया यही कहीं होनी चाहिए, पर यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। मालिक, टार्जन का बंदर, हमें इसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि उस दिन टार्जन जब माया को छोड़ने आया था तो ये उसके साथ था। हो सकता है, चलो हम इसका पीछा करें। रह जाओ जीप। Is this
इसी लड़की को शादी के लिए तैयार करो और उन तीनों को मंदिर में ले जाओ। आज पापू देवता के सामने इनकी बलि दी जाएगी और मैं इनकी लाशों पर शादी परवानों को ना जीने
वाली